अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरुई से। हमारा जो बूटस्ट्रैप का नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है टेक्स्ट टाइपोग्राफी के ऊपर। बूटस्ट्रैप की कि हम बूटस्ट्रैप के टेक्स्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे हम हैंडल करेंगे थ्रू बूटस्ट्रैप। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमने टेक्स्ट का कॉन्टेक्चुअल कलर चेंज करना है तो उनके लिए हम कौन सी क्लासेस को यूज़ करेंगे, और अगर हमने टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो उसके लिए हम कौन सी क्लास को यूज़ करेंगे। तो इसके थ्रू हम डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, जिसमें हमारे पास अगर हम टेक्स्ट का कलर टेक्स्ट को कलर देना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है, जिसमें टेक्स्ट म्यूटेड है, टेक्स्ट प्राइमरी है, टेक्स्ट सक्सेस की क्लास है, टेक्स्ट इन्फो है, टेक्स्ट वार्निंग और टेक्स्ट डेंजर है। डिपेंडिंग ऑन दीज क्लासेस जो हमारे पास टेक्स्ट का जो कलर होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, कि हम जो सी क्लासेस के ऊपर अप्लाई करेंगे उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका वो कलर चेंज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्लास डिव ली है और उसको मैंने क्लास कंटेनर दिया, और उसमें मैंने डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखे हैं, जिसमें मैंने क्लास दे दी है, जिसमें मैंने उसमें जो क्लास दी है बी जी प्राइमरी, बी जी सिक्स एक्स, बी जी इन्फो, बी जी वार्निंग और बी जी डेंजर। ये जो क्लासेस हैं ये इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए यूज़ होंगी। इनको आप रन करके देखते हैं, पेज को सेव कर लेंगे तो मेरे पास जो टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होता जा रहा है। जो मेरे पास जो प्राइमरी था उसका कलर ब्लू आ गया है, सिक्स एक्स का कलर हमारे पास ग्रीन आ गया है, और जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास थी, हमारे पास जो टेक्स्ट इन्फो थी उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको यूज़ किया, तो उसमें जो इसका कलर है वो स्काई ब्लू हो गया, और टेक्स्ट वार्निंग में इसका कलर चेंज है, और टेक्स्ट डेंजर में इसका कलर रेड हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर हम इनके बैकग्राउंड कलर के बजाय अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, कि अगर उसका जो हमारे पास कंटेक्सचुअल कलर है उसको चेंज करना है, नेक्स्ट जो अगर हम इसका कंटेक्सचुअल कलर को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम बैकग्राउंड कलर को चेंज नहीं करना चाह रहे, टेक्स्ट को चेंज टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट म्यूटेड की क्लास को, टेक्स्ट प्राइमरी की, टेक्स्ट सक्सेस की और टेक्स्ट इन्फो वार्निंग और डेंजर क्लासेस। इन क्लासेस को यूज़ करते हुए हम टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। इसको सेव करेंगे और डिफरेंट पैराग्राफ्स लिख के उनको मैंने क्लासेस दे दी हैं, टेक्स्ट म्यूटेड, टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट इन्फो, टेक्स्ट वार्निंग और टेक्स्ट डेंजर। अगर मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है तो देन मैं बी जी लिखूँगी, लेकिन अगर मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है देन मुझे टेक्स्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा क्लास को। तो इस चीज़ को आप चेक करते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट आया टेक्स्ट म्यूटेड उसका ग्रेश कलर आ गया है, जो मेरे पास जो टेक्स्ट जो था इम्पॉर्टेंट जो आ रहा था जो प्राइमरी था वो उसका कलर ब्लू हो गया, इसी तरह सिक्स एक्स का कलर ग्रीन, इन्फो का जो कलर है वो ब्लू वो भी आ गया है, इसके बाद वार्निंग का कलर चेंज हो गया और डेंजर का कलर चेंज हो गया। सो हम बूटस्ट्रैप के थ्रू टेक्स्ट जो जो कॉन्टेक्चुअल या टाइपोग्राफी है उस चीज़ को भी हम हैंडल कर सकते हैं। फर्दर हम नेक्स्ट देखेंगे कि बूटस्ट्रैप में हम टेबल्स को कैसे यूज़ करेंगे।